अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज कुछ दिन बाद मैं वीडियो लोड कर सका हूँ। एक्चुअली कुछ बिजी था कुछ कामों में, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त। ये क्वारंटाइन से रिलेटेड है। 1 अगस्त से एक लॉ बना था कि जो पाकिस्तानी और इंडियंस इधर आ रहे हैं उन पर क्वारंटाइन उन्होंने अप्लाई कर दिया था। कुछ डेल्टा करके कोई वायरस है, डेल्टा क्वारंटाइन है आई थिंक, इस तरह का कोई नया वायरस है जो एशिया साइड में ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इंडिया में। उन लोगों के लिए क्वारंटाइन, पाकिस्तान से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए टर्की ने अप्लाई किया था 1 अगस्त से। क्वारंटाइन 10 दिन का था पहले, उसमें इन्होंने किया था कि जी 200 यूरो पर डे आप 10 दिन के लिए होटल में रहेंगे यहाँ पे। तो एयरपोर्ट से ले रहे थे, ये आपसे चार्ज कर रहे थे, और आपको जो गवर्नमेंट के जो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ चंद होटल थे उन पर आपको क्वारंटाइन करवा रहे थे। तो लेकिन पाकिस्तान एम्बेसडर आए और एयरपोर्ट पे कुछ उनके साथ मुआहिदा हुआ, इधर के सफ़ीर से बात हुई, जो नए आए हुए थे जिनको पता नहीं था इस लॉ के बारे में, अभी तकरीबन 100 के करीब लोग थे, बीच में फैमिलीज भी थी, रूल का उस वक्त पता लगा जब एयरपोर्ट में आए। तो बहुत से लोग परेशान भी हुए, पाकिस्तान एम्बेसी से रबता हुआ, एम्बेसडर आए वहाँ पर, उन्होंने इधर की गवर्नमेंट से बात की, रबता किया कि जो हमारे पाकिस्तान को भी पता नहीं था, तो आप जो सा थोड़ी सी नरमी पेश करें इसमें। तो उन्होंने इस तरह कुछ मायदा हुआ कि फ़र्स्ट टाइम के लिए जो पाकिस्तानी हैं जो आए हुए हैं अभी, तो उनके लिए 400 लीरे में इन्होंने कहा कि फलाने होटल में आप 400 लीरे में आपको शिफ्ट कर देते हैं। दोस्त भी क्वारंटाइन में इस वक्त होटल में थे और उन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि छोटा सा क्लिप मुझे सेंड कर दें, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसको सुन लें, मैं फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीब अब्बास है और मैं लाहौर से इस्तांबुल के लिए ट्रैवल कर रहा था, और मेरे साथ 100+ पाकिस्तानी मौजूद थे। और जैसे ही हम लोग इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर पहुँचे तो हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जो हम लोगों को सिर्फ 4 होटल इन्होंने प्रोवाइड किए क्वारंटीन के लिए, और जिसके चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, जो कि 200 यूरोस थे, और वो कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हम लोगों ने वहाँ पे मतलब सुबह से लेकर रात तक हम लोग भूखे प्यासे रहे, और वो लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने ऑनलाइन रिजर्वेशन करनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे खबारी उठाई है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर रात को जाके कोई पाकिस्तानी 2 या 3 बजे के करीब वहाँ पर पाकिस्तानी काउंसलर आया, तो उसने हमारी हेल्प की। क्यों, वो भी उसने इसलिए की क्योंकि हमारी फ़र्स्ट फ्लाइट थी और पहली दफ़ा ये सीन हो रहा था। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि यार जो लोग अब आ रहे हैं ना पाकिस्तान से तुर्की के लिए, तो वो लोग भाई अभी प्लीज़ ना आए और हालात के बेहतर होने का वेट करें। थैंक यू सो मच। ये फ्रेंड्स, आपने बात सुन ली होगी भाई की, और इस तरह ही है। अब इनके बाद इधर के गवर्नमेंट ने कुछ और नरमी पेश की उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पढ़ रहे थे, उनके लिए ये कहा गया कि स्टूडेंट लोग जो हैं यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, और वो लोग जिनका यहाँ पे इकामत हुई हुई है, जिन्होंने अपना नफूस कराया हुआ यहाँ पे, उनके लिए ये कहा गया कि जो लोग आएंगे पाकिस्तान से, जिनकी जो स्टूडेंट है और जिनका नफूस हुआ हुआ है, वो लोग अपने अपने घरों में जहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे, या फिर जो लोग नफूस जिन्होंने कराया हुआ वो लोग अपने घरों में जहाँ पर उन्होंने घर लिए हुए हैं वहाँ पर वो रह सकते हैं 10 दिन के लिए क्वारंटाइन में। ये एक ऑप्शन इन्होंने दी, अच्छी ऑप्शन थी, बहुत लोग खुश हुए। लेकिन इससे नेक्स्ट डे इन्होंने फिर चेंज किया, वो लाइन इन्होंने ऑफिशियल साइट से कट कर दी। तो फिर बहुत से लोग डबल माइंडेड हो गए कि ये क्या हुआ है। अब टर्की में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा इसके ऊपर चेंजेस आई हैं, और अभी लास्ट अपडेट इस तरह है कि दोबारा से उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया स्टूडेंट्स, और जो हैं जिनका नफूस हुआ हुआ है, TRC अप्लाई किया हुआ है, आई डी कार्ड लेने के बाद उस पर नफूस कराया हुआ है इधर, और उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि वो लोग अपने घरों में, अपनी रिहाइश में जहाँ पे रह रहे हैं टर्की में, किसी भी जगह में आप अपने घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये है। इसके बाद अगर कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक आती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।